हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर नंबर 6 जो हमारा इस समय रनिंग में चल रहा है, क्लास 7th का। और चैप्टर नंबर 6 है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, और इस एक्सरसाइज का जो मेन थीम है, जो मेन प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी स्टूडेंट, बहुत ही फेमस है, जो आप सुनते होंगे और आगे की क्लासों में भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपके सामने हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? और इसी में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ होती है। स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। देखिए, यहाँ पर जो साइड्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट। देखिए, अगर हम समझें, ये देखिए ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, तभी तो हम इसको ट्राइंगल ए बी सी कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं स्टूडेंट। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ए सी, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हम पी लिख देते हैं, एंड बेस, बेस बी। ठीक है स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड्स, अदर टू साइड मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखिए, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सो द डेफिनेशन ऑफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स, ऑन द लेग्स मीन्स हाइपोटेनस के छोड़ करके बाकी जो टू साइड्स हैं, हम इनको क्या कह रहे हैं, टू लेग्स। और इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर, ए सी में हाइपोटेनस, ए सी स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू लेग्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए, ये फॉर्मूला है ए सी हाइपोटेनस स्क्वायर, एंड ए बी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर, एंड बी सी इज, बी सी इज बेस। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, और यही फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके स्टूडेंट, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में एनी टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स अगर हमारे पास गिवन है, हमें हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम थर्ड साइड जो रिमेनिंग होगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5, और फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट पी मीन्स जो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है।
ठीक है। इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपको समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, इजी होता है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रफ ट्राइंगल यहाँ पर बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंग जो पी पॉइंट है वहाँ पर राइट एंगल है, तो इसका मतलब आपको राइट एंगल जहाँ बना रहे हैं वो पॉइंट आप पी लें इस तरीके से। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड राइट एंगल एट पॉइंट पी। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर राइट एंगल एट पी। ओके, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड क्यू आर क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें क्यू आर मीन्स हाइपोटेनस, इसको हमें फाइंड करना है, इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर और पी आर है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। तो फाइंड करें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, देखिए बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो देखिए हाइपोटेनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी का जो डिस्कस किया था उसमें स्टूडेंट यही बताया था कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस क्यू आर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर लेग्स। तो स्क्वायर ऑफ अदर लेग्स क्या हैं, पी क्यू एंड पी आर, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल ये होगा। अब देखिए पी क्यू 10 होल स्क्वायर करेंगे इसका, पी आर 24 होल स्क्वायर। स्टूडेंट 10 का होल स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 100 प्लस 24 होल स्क्वायर इज, मल्टीप्लाई कर लें 576 एंड टोटल इज 676। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 676। अभी हमें क्यू आर नहीं मिला स्टूडेंट, तो अगर हम क्यू आर फाइंड करना चाहते हैं तो 676 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। और 676 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे आप बताइए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें क्यू आर इक्वल टू रूट 676 और ये कितनी आएगी वैल्यू स्टूडेंट आप करके देख लें, देखिए 676 अगर आप डिवीजन मेथड से करते हैं देखिए आंसर 26
सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 676 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है और हमें वैल्यू कितनी मिली है 26। तो हमने जो थर्ड साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी QR, वो कितनी है यहाँ पर देखिए QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके सो आई होप दैट स्टूडेंट पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है हमने अभी डिस्कस की है, आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चन आप भी ट्राई करें स्टूडेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।